हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस मॉक का जो आपका फ्री एसटी गिवन है आईबीपीएस पीओ प्री से रिलेटेड उसका जो रीजनिंग सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आपको इसको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो एजेंडा है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके हम लोग दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका अननोन पर्सन सर्कल अरेंजमेंट। तो अननोन पर्सन सर्कल अरेंजमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोगों ने अननोन से रिलेटेड काफी सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करा है लेकिन वो सब लीनियर बेस्ड थे। अब हम करेंगे सर्कल अरेंजमेंट को। ओके, तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का एग्जाम में आता है तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सेकंड जो है हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका एकदम पीओ से रिलेटेड है, मतलब पीओ लेवल का होगा और आपकी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग अननोन पर्सन जो कि सर्कल टेबल में बैठे हैं उस अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे आपका हिंदी में गिवन है, जो भी पर्सन हिंदी प्रीफर करते हैं वो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपको जो आपका प्रैक्टिस मॉक की एसटी है उसमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो है वो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी हिंदी वाले पर्सन है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज गिवन है तो जो भी इंग्लिश प्रीफर करते हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन मतलब कुछ आपके नंबर ऑफ पर्सन है जो कि सर्कल टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं ईच ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एजेस, कि जो सारे पर्सन है वो आपके डिफरेंट एजेस के हैं, मतलब उनकी जो एज है वो डिफरेंट है। एंड द एज ऑफ द पर्सन लाइज फ्रॉम 11 to 20। और जो आपके ये 8 पर्सन है उनकी जो एज है वो 11 से 20 के बीच में है, यानी कि 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, ठीक है, 20 तक। देन गिवन है नॉट मोर देन वन सीट इज वैकेंट इन द अरेंजमेंट, एक सीट से ज्यादा जो आपकी सीट है वो आपकी वैकेंट नहीं होगी अरेंजमेंट में। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि आपका एक सीट से ज्यादा वैकेंट नहीं होगी तो यानी कि एक सीट आपकी वैकेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपकी वैकेंट सीट कोई हो ही ना, राइट। इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपकी एटलीस्ट वन सीट जो है वो वैकेंट होगी, इन्होंने ये बताया है कि मोर देन वन सीट यानी कि आपकी एक सीट से ज्यादा वैकेंट जो है सीट नहीं होगी। तो एक सीट से ज्यादा नहीं होगी यानी कि या तो एक होगी या फिर एक भी नहीं होगी, राइट। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कुछ इस तरीके से दी है, यानी कि हमको एग्जैक्ट नहीं बताया है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो आप दोनों को यहाँ पे माइंड में रखते हुए चलेंगे कि वैकेंट हो भी सकता है और वैकेंट नहीं भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं एटलीस्ट वन इन्फॉर्मेशन डेट इज इधर पर्सन्स नेम और एजेस शुड बी नोन, अदरवाइज ही शी इज नॉट सिटिंग इन द अरेंजमेंट। ये लाइन जो है ये काफी अच्छी हिंट है हमारे लिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है पर्सन की वो या तो आपको नेम में गिवन होगी या फिर आपको एज में गिवन होगी, मतलब कुछ ना कुछ गिवन होगा, या तो उसका नेम गिवन होगा या फिर उसका एज गिवन होगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है यानी कि वो जो सीट है वो आपकी डायग्राम में आएगी ही नहीं, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी अच्छी है और इसको हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस है इन लोगों के बीच में और फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। एंड एक चीज और, ये क्यू है ये ओ नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये क्यू है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं पता है कि पर्सन कितने बैठेंगे तो हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं ना तो हम 6 का डायग्राम बना सकते हैं, ना ही हम 8 का और ना ही हम 10 का बना सकते हैं। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितने पर्सन का अरेंजमेंट जो है बना सकते हैं या फिर कितने पर्सन की हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने पर्सन जो है वो यहाँ पर, मतलब एटलीस्ट इतने पर्सन तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गिवन है यूज एज इज इन मल्टीपल ऑफ 5 बट ही इज नॉट एल्डेस्ट। तो यू की जो एज है वो आपके 5 के मल्टीपल में होगी बट वो एल्डेस्ट नहीं है। तो अब 11 से लेकर अगर आप 20 तक देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन आएगा, एक तो 15 और दूसरा 20, सिर्फ यही दो नंबर है। लेकिन एल्डेस्ट नहीं है तो एल्डेस्ट का मतलब यानी कि आपका 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 वाला जो पर्सन है वो एल्डेस्ट होगा। इसका मतलब जो यू है उसकी एज कितनी होगी, यहाँ पे 15 होगी, राइट। देन आगे गिवन है देयर आर टू सीट्स बिटवीन क्यू एंड पी, तो क्यू एंड पी के बीच में आपको दो सीट देनी है,
उसके बाद यू सिट्स अपोजिट टू टी बट निदर ऑफ देम आर एडजेसेंट टू क्यू. तो यू जो है वो आपका अपोजिट आएगा किसके, टी के. अब यू देखो टी के अपोजिट आएगा, इसका मतलब जो आपका अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका इवन नंबर में बनेगा. क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पांच पर्सन है, तो पांच पर्सन है तो वन टू थ्री सॉरी वन टू थ्री फोर एंड फाइव. अगर आप पांच पर्सन कुछ इस तरीके से बैठालते हो सर्कल में, तो अगर यू यहाँ बैठालते हो तो फिर आप टी इसके सामने कहाँ लेके जाओगे, यहाँ पे लेके जाओगे या फिर यहाँ पे लेके जाओगे. आप मतलब अपोजिट नहीं बैठा सकते हैं. आप अपोजिट कब बैठा सकते हैं, जब इनके बीच में जो आपके पर्सन बैठे हो वो इक्वल हो, यानी कि आपका यू यहाँ पे और टी यहाँ पर है, तो यहाँ पे या तो इनके बीच में एक पर्सन हो, दोनों के बीच में एक इस साइड में और एक इस साइड में, या फिर इनके बीच में दो पर्सन हो, दो इधर, या फिर इनके बीच में तीन पर्सन हो, तीन इधर एंड चार या फिर पांच पर्सन हो. ठीक, यानी कि इसका मतलब जो आपका अरेंजमेंट आएगा वो कैसे आएगा, आपका इवन नंबर में आएगा. तो ये एक हिंट हमें ये मिली है कि आपका जो डायग्राम बनेगा उसमें सीट्स कैसी होंगी, आपकी इवन नंबर में होगी. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में जो सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, इवन होंगी. ये मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में इतना खुद से ही समझ के चलेंगे. फिर गिवन है नो सीट्स आर एडजेसेंट टू यू इज वैकेंट. कोई भी सीट जो है वो यू के जो आसपास है, यानी कि जो यू के आपके नेबर हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पे वैकेंट नहीं है, यानी कि यू के नेबर यानी कि आपके जो यू की बराबर में सीट्स हैं उनके उनमें कोई ना कोई पर्सन जो है वो आएगा, वो वैकेंट नहीं होगा. राइट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका वैकेंट जो है वो अरेंजमेंट में कहीं होगा, मे बी वो कहीं भी ना हो. राइट, देन द वन हु इज 19 इयर्स ओल्ड इज सिटिंग ऑन द सीट विच इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ एस सीट. तो आपका जो 19 इयर्स का पर्सन है वो आपका इमीजिएट राइट में आएगा एस के, तो उसको लिख लेते हैं एस यहाँ पर. एंड बाय डिफॉल्ट हम इसका राइट जो है वो नॉर्थ फेस मान के करते हैं, तो हम लोग एस यहाँ पे दिखाएंगे और इसका 19 जो है वो राइट साइड में दिखा देंगे. फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं पी की एज जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है. तो पी की एज जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 से 20 के बीच में आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, तो वो है एक 16. इसके अलावा तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि आपकी जो पी की एज है वो कितनी होगी, यहाँ पे 16 होगी. ओके, देन फिर गिवन है एस सीट ऑन द S sits on the seat which is second to the right of the one whose age is 13 years old. तो यहाँ पे जो S है वो कैसे बैठेगा, आपका जो भी person 13 years old है उसके second to the right में बैठेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका S given है इसी के संग इस arrangement को fix करेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 13 और 13 के second to the right में आएगा आपका S, और S के immediate right में आएगा 19. साथ साथ इसलिए लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सबको आपका center की ओर face करवाना है. ओके, देन फिर गिवन है क्यूज एज इज एन इवन नंबर. क्यू की जो एज है वो कैसे होगी, आपकी इवन नंबर में होगी. तो ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गए हैं. अब हम देखते हैं हमारा डायग्राम क्या बनेगा. सबसे पहले देखो हमें पर्सन कितने गिवन है. तो यहाँ पे देखोगे आप, एक तो हो गया यू, दूसरा हो गया टी, फिर हो गया क्यू, देन पी, एंड इसके बाद एक है एस. ओके, एज के बाद हमें दो आपकी एजेस गिवन है जो कि है 13 एंड 19. तो यहाँ पे हमें क्यू की एज तो इवन चाहिए. राइट, क्योंकि एज जब हमें इवन चाहिए तो यानी कि आपका 13 एंड 19 में से कोई भी एज जो है वो क्यू को नहीं मिलेगी. अब 13 एंड 19 जो है वो एक ऐसी एज है जो हम या तो इनमें से किसी को भी दे सकते हैं. ओके, इनमें से हम किसी को भी 13 एंड 19 दे सकते हैं, या फिर ये एज जो है वो उन पर्सन की गिवन होगी जिनका नेम नहीं गिवन है. ओके, यहाँ दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जो दोनों पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस इन्फॉर्मेशन से. राइट, अब आप देखो यहाँ पे यू की जो एज है वो कितनी गिवन है, ये तो हमें मेंशन है कि ये 15 होगी. टी की एज जो है वो हमें गिवन नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं. पी की एज 16 होगी. एस की जो एज है वो 13 एंड 19 नहीं हो सकती क्योंकि आप अरेंजमेंट को देख सकते हैं यहाँ पे. राइट, अब देखो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर्सन तो ये हो गए. ओके, 5 पर्सन होने के संग हम लोग यहाँ पे 13 और 19 में से मान लो अगर एक हम टी को दे देते हैं तब भी एक पर्सन जो है वो यहाँ पे और बढ़ेगा, या तो 13 या फिर 19. तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि एटलीस्ट आपके 6 पर्सन तो आएंगे ही आएंगे. ओके, 6 पर्सन जो है वो आएंगे ही आएंगे. अब हम अगर मान ले कि यहाँ पे एक वैकेंट और हो, अभी हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके से समझी है कि आपकी वैकेंट ना हो, लेकिन अगर हम ये मान ले कि अभी यहाँ पे एक वैकेंट भी हो, तो अब यहाँ पे कितने सीट्स हो जाएंगी, टोटल 7. लेकिन 7 तो हमें लेना नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, 8 लेंगे. अब हम 8 कैसे ले रहे हैं, हम 8 ऐसे लेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने इस वाली जो पॉसिबिलिटी थी उसमें हमने ये माना कि यहाँ पे जो 13 और 19 की एज है उसमें से एक जो है वो यहाँ पे टी को दी जाएगी. लेकिन हम सेकेंड डायग्राम में ये मानेंगे कि एक पर्सन होगा यू,
दूसरा होगा टी, तीसरा होगा क्यू, फिर पी, एस, फिर एक वो पर्सन जिसे 13 मिलेगा और एक वो पर्सन जिसे 19 मिलेगा और फिर आ जाएगा आपका वैकेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस हिसाब से कितनी होंगी आपकी, 8 सीट होंगी, क्योंकि हमें सीट जो है वो कैसे चाहिए आपकी, इवन नंबर में चाहिए, बिकॉज हमें यू एंड टी को आपका अपोजिट बैठालना है। ओके, तो या तो 6 सीट का डायग्राम बनेगा या फिर 8 का बनेगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम 6 सीट का बनाते हैं तो वैकेंट कहीं नहीं है, और 8 का बनाते हैं तो यहाँ पे वैकेंट होगा। दूसरी बात, अगर हम 6 सीट का बनाते हैं तो 13 और 19 में से एक जो एज है वो हमें टी को देनी है, और अगर हम 8 का बनाते हैं तो 13 और 19 में से हमें दोनों ही नंबर को टी को नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे 6 का, राइट, इसमें 6 पर्सन बैठेंगे, और एक डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे 8 का। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन हमें कैसे कैसे गिवन है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम कैसे पिक करेंगे, यू एंड टी से रिलेटेड। सो यू एंड टी से रिलेटेड पिक करोगे तो यू यहां पर और टी यहां पे दे सकते हो, एंड सेम यू यहां पे और टी यहां पे दे सकते हो, क्योंकि देखो यहां पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आपका यू एंड टी को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि आप यहां पे जो सारे पर्सन है वो कैसे फेस कर रहे हैं, आपका इनसाइड फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे आपका इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ फेस करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसे यहां से हटा दो। इसके अलावा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका Q एंड P के बीच में आपका 2 का गैप है, एंड एक लाइन जो है वो यहाँ पे मिस हो गई है। वो लाइन ये है कि U sits opposite to T but neither of them are adjacent to Q, लेकिन neither of them are adjacent to Q, यानी कि आपका जो U एंड T है वो एक आपका दोनों ही किसके पास नहीं बैठेंगे, Q के पास नहीं बैठेंगे, राइट। तो आप देखोगे U एंड T के पास जो है वो Q नहीं बैठेगा, तो जो आपका ये वाला डायग्राम है 6 वाला, उसमें Q या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, लेकिन देखोगे आप चारों ही सीट ऐसी हैं जिसमें आप Q को कहीं बैठा लो, वो आपका U और T में से किसी एक का नेबर होगा ही होगा, यानी कि उसके एडजेसेंट आएगा ही आएगा। इसका मतलब आपका जो 6 वाला अरेंजमेंट है वो गलत है, हमें जो अरेंजमेंट बनाना है वो हमें 8 वाले में बनाना है, राइट। तो हम यहाँ पे जो आपका 8 वाला अरेंजमेंट है उसमें बनाएंगे। अब 8 वाले अरेंजमेंट में बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 13 और 19 जो है वो अलग अलग पर्सन है, उनमें ये जो एजेस हैं ये हमें किसी भी पर्सन को यहाँ पे नहीं देनी है, इसी के संग हमें एक वैकेंट का भी यूज करना है। तो एक अरेंजमेंट जो है वो हमारा ये बन जाएगा, और दूसरा अरेंजमेंट हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और लेके चलेंगे जिसमें हम क्यू को यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखो क्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो यानी कि यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यानी कि क्यू या तो यहाँ पर आएगा या फिर क्यू यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से क्यू जो है वो कहीं भी आ सकता है, राइट। इसको हटा देंगे, यू को 15 मिलेगा, इसको फिक्स कर दो, यू को 15 एंड यू को 15 इसको हटा दो। Q एंड P के बीच में 2 का गैप आएगा, सो अगर Q यहां पर है तो 1, 2, P यहां पर आ सकता है, 1, 2, P यहां पर आ सकता है। सेम यहां पे Q आएगा तो 1, 2, P यहां पर एंड 1, 2, P यहां पर, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो अभी हम रुक जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं U के बराबर से वैकेंट नहीं आएगा, तो U के बराबर से वैकेंट नहीं आएगा तो यहां पर, यहां पर वैकेंट नहीं होगा, तो यहां, यहां पर और यहां पर वैकेंट कहीं भी हो सकता है। सेम इसमें भी आपकी पॉसिबिलिटी आएंगी, तो इसे भी स्किप करो। अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे आते हैं जिसमें यहां पे गिवन है कि 13 के सेकंड टू द राइट में S आएगा और S की इमीडिएट राइट में 19 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 13 से इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 13 को बैठालती हूँ तो 13 के सेकंड टू द राइट में एस यहाँ आना चाहिए और एस के राइट में 19 यहाँ पर आना चाहिए, तो हम 19 जो है वो यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 19 है वो अकेला आएगा, राइट। उसका जो पर्सन है उसका नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है, 13 और 19 जो है वो अलग अलग पर्सन है, वो किसी भी पर्सन के एज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 19 नहीं आएगा, यानी कि जो आपका 13 है वो यहाँ पे नहीं आएगा। 13 अगर यहाँ पर आता है तो आपका एस यहाँ पर और 19 यहाँ पर आना चाहिए, बट 19 यहाँ पे भी नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे टी गिवन है, ओके। इसके अलावा आप देखोगे 13 जो है वो यहाँ पर आ सकता है और 13 यहाँ आ सकता है, तो एस यहाँ पर और 19 यहाँ पर आ सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा भी जो पॉसिबिलिटी है उनको भी देख लेते हैं। 13 जो है वो टी को तो हम दे नहीं सकते, राइट। अगर 13 यहां पर आता है तो एस जो है वो यहां पर आएगा और फिर 19 यहां देना पड़ेगा, जो कि हम नहीं दे सकते, और 13 यहां पर देकर हम एस यहां पे नहीं दे सकते। तो मैंने सारी सीट्स की आपको बता दिया कि सारी सीट्स में जो है खाली जो 13 है वो कहां पे फिक्स होगा, आपका एक सिर्फ यहीं पे फिक्स होगा, राइट। इसकी वजह से एस यहां पर आएगा और 19 यहां पर आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी, ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। सेम इस वाले डायग्राम में हम अगर देखते हैं, 13 यहां पर आता है तो एस यहां पर और 19 यहां पर आ सकता है, इसी के संग 13 यहां पर आता है तो एस यहां पर आकर 19 यहां नहीं आ सकता, 13 यहां पर आता है तो एस यहां नहीं आ सकता, और 13 यहां पर आता है तो एस यहां पर आकर 19 यहां नहीं आ सकता, ओके। तो यानी कि 13 आपका यहां पर आएगा, तेरह आपका यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आएगा और 19 जो है वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा इसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, राइट। तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। देन आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका पी को 16 नंबर मिलेगा,
एंड पी को 16 नंबर मिलने के संग यहाँ पे पी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी थी कि क्यू एंड पी के बीच में आपको दो का गैप देना है, तो इनको फिक्स कर लेते हैं। क्यू और पी के बीच में दो का गैप दोगे तो फर्स्ट वाले डायग्राम में वन एंड टू का गैप दोगे तो पी यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे एस गिवन है। वन एंड टू का गैप दोगे तो पी यहाँ पर आएगा, इस वाले इन्फॉर्मेशन में वन एंड टू का गैप करके पी यहाँ नहीं आ सकता, तो वन एंड टू का गैप करके पी आ जाएगा यहाँ पे, एंड पी को 16 गिवन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा देंगे। क्यू को इवन मिलेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद यू के पास वैकेंट नहीं आएगा, तो आप देखो कि एक वैकेंट तो हमें देना ही देना है, क्योंकि हमने जब आर्ट का डायग्राम बनाने का यहाँ पे जो हिंट देखी है उसमें हिंट में हमें यही मेंशन है कि आपको एक वैकेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज 7 का अरेंजमेंट बनेगा जो कि हम यहाँ पे नहीं बना सकते। तो आप देखोगे जो आपका फर्स्ट डायग्राम है उसमें वैकेंट के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, ये वाली। यहाँ पे आपका ये देखोगे कि यू के पास वैकेंट हो जाएगा, जो कि गलत है हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो डायग्राम है वो आपका ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, और इसमें जो आपका वैकेंट है वो यहाँ पर आएगा। वैकेंट को मैंने एक्स की तरह दिखाया है, आप वैकेंट भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा डायग्राम बन चुका है, 13 और 19 के बीच में कौन से, मतलब 13 एंड 19 को कौन से पर्सन देने हैं ये हमें मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ इनकी एज लिख के छोड़ देंगे। जिनकी एजेस गिवन थी उनकी एजेस को हमने फिक्स कर दिया है। सेम यहाँ पे आपका क्यू के बारे में गिवन है कि क्यू को एक इवन नंबर मिलेगा, तो इवन नंबर जो है वो 12 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, राइट। तो 12, 14, 18 दोनों तीनों ही हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे ऐसी। अगर हमें कोई यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे आके सॉल्व करेंगे। अब इसका एक फेयर डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये है इसका फेयर डायग्राम एंड ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द अरेंजमेंट, कि यहाँ पे कितने पर्सन जो है वो अरेंजमेंट में बैठे हैं। तो काफी लोग जो है वो यहाँ पे 8 टिक कर देंगे, बट इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें एक वैकेंट मिला है, ओके यानी कि एक जो है ये वैकेंट है और एक जो है वो वैकेंट है, इस वजह से आपके 8 नहीं 7 पर्सन जो है वो अरेंजमेंट में बैठे हैं और एक सीट जो है वो खाली है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एस यहाँ पर है। इमीडिएट लेफ्ट में कौन आया यहाँ पे, यू, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। देन यू की एज कितनी है, तो यू की एज तो हमें यहाँ पे 15, ये हम पहले ही देख चुके थे, राइट। तो यू की एज यहाँ पे 15 होगी, और ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, 10 हो नहीं सकती बिकॉज ये तो हमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं था, एंड 20 हो नहीं सकती क्योंकि वो एल्डेस्ट है, और 25 तो हमें यहाँ पे आपका वेरिएबल ही मेंशन नहीं था, तो ऑब्वियसली 15 ही हुई। तो यहाँ पर भी गिवन है यू की एज जो है वो 15 होगी। देन गिवन है क्यू की एज कितनी होगी, तो क्यू की एज जो है वो एक आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर में जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 भी, 14 भी और 18, ओके 16 इसलिए नहीं क्योंकि पी को हम 16 दे चुके हैं, तो 12, 14, 18 में से कुछ भी हो सकती है, तो आंसर क्या होगा आपका, कैन नॉट बी अ डिटरमाइंड, राइट। देन यहाँ पे गिवन है कि आपका पी के अपोजिट कौन बैठा है, तो आप देख सकते हो पी यहाँ पर है, पी के अपोजिट कौन बैठा है, जिसकी एज जो है वो 13 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है आपका ब्लड रिलेशन, एंड दोनों ही गिवन है यहाँ पे, हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों में ही आप जो भी लैंग्वेज, जो भी पर्सन प्रिफर करते हैं उसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक फैमिली है उसमें आपके 8 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एंड यहाँ पर जो है आपकी 3 जनरेशन आएंगी। उसके बाद गिवन है कि ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर मैरिड, कि आपके जो सारे फैमिली मेंबर हैं वो कैसे हैं, मैरिड हैं, एंड मैरिड हैं तो यानी कि आपके सब कपल्स में होंगे, राइट, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ऐसे करके होंगे। फिर गिवन है ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, खाली जो मैरिड कपल्स हैं उन्हीं के चिल्ड्रन होंगे। फिर गिवन है बी बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन एंड इज द मदर ऑफ सी हु इज फीमेल मेंबर, तो बी जो है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करती है एंड ये मदर है किसकी, सी की, और सी क्या है, एक फीमेल है, तो यानी कि ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन, और यहाँ पर आएगी आपके नीचे थर्ड जनरेशन, क्योंकि 3 जनरेशन आपको बतानी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं फीमेल को सर्कल से दिखाऊंगी एंड मेल को स्क्वायर से दिखाऊंगी, ओके। इसमें आप प्लस माइनस का अगर यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो, जैसा भी आप अपना, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे उसमें आप इसको डायग्राम को बना सकते हो, या फिर जिसमें आपकी कमांड हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे हु इज अ फीमेल मेंबर, जो कि हम दिखा चुके हैं। फिर कह रहे हैं डी इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ, तो डी जो है वो फादर इन लॉ है एफ का, तो आप देखोगे डी जो है वो फादर इन लॉ है, यानी कि या तो इसकी डॉटर होगी या फिर इसका यहाँ पे सन होगा, एंड उसका हस्बैंड या फिर वाइफ जो है वो यहाँ पे कौन होगा, आपका एफ होगा, राइट। तो इसमें पॉसिबिलिटी है ना, तो अभी इसे हमें ऐसे छोड़ देंगे। फिर कह रहे हैं जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो जी जो है वो ब्रदर इन लॉ है बी का, तो यानी कि यहाँ पे जो बी के हस्बैंड होंगे,
ओके, बी के जो हस्बैंड है उनके यहाँ पे जो ब्रदर है वो होगा जी, तभी यहाँ पे आप देखोगे जी जो है वो ब्रदर इन लॉ होगा बी का। दूसरा, यहाँ पे सब मैरिड कपल है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सी के साथ भी इसके हस्बैंड को दिखाया है। अब कितने पर्सन होगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 का हम फैमिली ट्री बना चुके हैं, 3 पर्सन जो है वो यहाँ पे अभी और आएंगे। एक बात और, यहाँ पे सारे ही मैरिड हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे जी गिवन है इसकी भी यहाँ पे वाइफ गिवन होगी। अब इसकी भी यहाँ पे वाइफ गिवन होगी, तो अब कितने पर्सन होगा यहाँ पे, 6 पर्सन हो गए। 6 के संग आप देखोगे यहाँ पे हमें अभी एक थर्ड जनरेशन भी बनानी है, और थर्ड जनरेशन बनानी है यानी कि इसका भी यहाँ पे कौन होगी, या तो डॉटर होगी या फिर सन होगा, एंड उसका भी एक हस्बैंड या फिर वाइफ जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो अब देखो कितने हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, 8 हो गए, यानी कि फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली फिक्स करना है। फिर गिवन है जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जो कि हो चुका है। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ जनरेशन टू विच डी एंड ई बिलोंग इज 1, तो आपका जो डी और ई है उनके बीच में जो जनरेशन का गैप है वो खाली एक जनरेशन का गैप होगा। एंड इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि डैट इज इफ डी बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, अगर आपका डी जो है वो पहली जनरेशन से बिलोंग करता है, देन ई बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन, तो आपका जो ई है वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करेगा। तो डी अगर फर्स्ट में आएगा तो ई सेकंड में आएगा, डी अगर सेकंड में आएगा तो आपका ई कैसे आएगा, यहाँ पे आपका थर्ड में आएगा। ओके, देन नो वन इन द फैमिली मेंबर हैज सिस्टर, किसी के भी फैमिली मेंबर में यहाँ पे सिस्टर नहीं है, राइट। देन गिवन है एच इज नॉट अ मेल मेंबर, तो एच जो है वो मेल मेंबर नहीं है, तो एच क्या होगी, यहाँ पे फीमेल मेंबर है। एंड ई इज यंगर देन डी, और ई जो है वो यंगर देन डी है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी जो हमारी एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तो एग्जाम्पल में ये बताया है कि डी फर्स्ट जनरेशन से हुआ तो ई सेकेंड से होगा, बट ये भी हो सकता था कि ई फर्स्ट से हो तो डी सेकेंड से होगा, लेकिन जो ये पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पे आगे जाके इरेज हो जाएगी कि आपका ई जो है वो यंगर है डी से, यानी कि अगर डी फर्स्ट जनरेशन का है तो ई सेकेंड का होगा, डी सेकेंड जनरेशन का है तो ई कैसे होगा, आपका थर्ड जनरेशन का होगा। अब हम देखते हैं कि हम लोग डी और ई को कैसे फिक्स कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने डी को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में फिक्स कर दिया, डी मेल मेंबर है तो हम ऑब्वियसली बी के साथ करेंगे। अब बी के साथ करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो एफ है वो कहाँ फिक्स होगा, वो आपका यहाँ पर आकर फिक्स होगा, ठीक है, तभी आप देखोगे डी जो है इसका फादर इन लॉ हो जाएगा। उसके बाद ई जो है वो आपका जब डी फर्स्ट जनरेशन में आया है तो ई कैसे आएगा, आपका सेकंड जनरेशन में आएगा। अब सेकंड जनरेशन में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है कि हम ई को फिक्स कर सके, ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पेस नहीं है कि हम ई को फिक्स कर सके। इस वजह से आपका जो डी है वो कैसे आएगा, यहाँ पे डी आपका फर्स्ट जनरेशन में ना आके आपका डी आएगा सेकंड जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में होगा, और इस वजह से यहाँ पे आपका एफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एफ जो है वो यहाँ पर आएगा एंड ई जो है वो इससे यंगर है, यानी कि ई आपका थर्ड जनरेशन में होगा, तो ई होगा फिर यहाँ पे। अब मैंने एफ को यहाँ पे क्यों बैठा ला है, क्योंकि एफ जो है वो इसका सन और डॉटर नहीं है, या तो एफ डी का सन इन लॉ है या फिर डॉटर इन लॉ है, इस वजह से हम ई को की डॉटर या फिर आपका सन दिखाएंगे, एंड एफ जो है वो इसका सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ दिखाएंगे। उसके बाद जो हमारा बाकी इंफॉर्मेशन है कि एच जो है वो फीमेल है, तो आप एच को यहां लिख दीजिए, रेस्ट जो आपका पर्सन बचा है उसको आप यहां लिख देंगे जो कि है ए। तो ये हमारा डायग्राम जो है वो यहां पे बन के आएगा। रेस्ट हमें ई एंड एफ के बारे में नहीं पता है कि ये मेल एंड फीमेल में से क्या होंगे, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स करेंगे। इसका जो फेयर सॉल्यूशन है वो यहां पर है एंड क्वेश्चंस भी यहां पे गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी इन फैमिली, कि ई जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपका डायग्राम गिवन है, जब आपका डायग्राम गिवन है तो आंसर देना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आंसर जो है उसका, इसका ध्यान से करिएगा, और इसमें आप कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है कि अगर ई जो है वो मान लीजिए फीमेल है, ओके ई जो है वो फीमेल है, तो यानी कि एफ कैसा हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं हाउ इज एफ रिलेटेड टू एज वाइफ सन इन लॉ, तो आपके जो ए की वाइफ है उसका जो सन इन लॉ है उससे कैसे रिलेटेड है एफ, तो ये भी जो है वो आप ही बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो इन ऑप्शंस में से क्या होगा, एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। इसी के संग हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, एंड इसका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग डेज में हम ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एनालाइज कर सकें, एंड जो ये प्रैक्टिस मॉक की जो एसटी है इसको जाके आप जरूर अटेम्प्ट करें। इसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।